अब दूसरे खाद की तरफ चलते हैं, अगले खाद यूरिया की तरफ चलेंगे। अब अगले खाद की तरफ चलते हैं यूरिया खाद। यूरिया खाद में भाई कौन सा तत्व देते हैं? नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन देते हैं। अब सबसे ज्यादा कौन सा खाद इस्तेमाल करते हैं पूरे देश की अगर हम बात करें तो भाई यूरिया खाद का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और हम सबको ये पता नहीं है या नहीं, हमारी हवा में बहुत सारी नाइट्रोजन होती है। 78% नाइट्रोजन जो है भाई हमारी हवा में होती है, 78%। अब हमें भी हैरानी होती है कि यार 78% नाइट्रोजन हमारे चारों तरफ मौजूद है और फिर भी भाई हम यूरिया यूरिया का इस्तेमाल करते हैं और इतने ज्यादा करते हैं, फसल थोड़ी सी पीली देखते ही यूरिया के कट्टे की तरफ हम दौड़ने लगते हैं, तो बहुत ज्यादा भाई हम यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं। अब सोचने की बात यह है कि इतनी नाइट्रोजन है ये फसल को क्यों नहीं मिलती? ये फसल को अगर मिल जाए तो हम यूरिया खाद को भी कम कर सकते हैं या हटा सकते हैं। अब थोड़ा समझते हैं ये मिलती क्यों नहीं। ये नाइट्रोजन हमेशा N2 लिखा जाता है, N के आगे दो लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि भाई एक नाइट्रोजन का अणु और दूसरा नाइट्रोजन का अणु दोनों आपस में मिले होते हैं, यानी कि ऐसे एक नाइट्रोजन ये के दोनों भाई ऐसे मिले होते हैं। और मिली हुई नाइट्रोजन को फसल नहीं खा सकती है, उसके लिए जरूरी है कि भाई वो ऐसी फॉर्म में हो जिसको खा सके। जैसे अंदाजा लगाओ हमारे खेत में भाई गेहूं होता है, हम में से कोई भी आदमी गेहूं खाता है कैसे? चल भैया भूख लग रही है, गुठी गेहूं लिया खा लिया, कितने लोग खाते हैं? कोई भी नहीं खाता। हमें भी भाई गेहूं की रोटी चाहिए या चूरमा चाहिए या कुछ और शेप में चाहिए, हमें दूसरी शेप भी चाहिए ना। तो भाई गेहूं को पीसते हैं, फिर उसको गूंदते हैं, फिर उसकी रोटी आग पे सेकते हैं, फिर उसको खाते हैं। इसी तरीके से भाई फसल भी वो जो N2 है यू जुड़ी हुई नाइट्रोजन, वो ऐसे ही मान लो जैसे हमारा कच्चा वो खेत में से निकला हुआ गेहूं, ठीक है, वैसा गेहूं जिसको हम खा नहीं सकते, ऐसे ही नाइट्रोजन भाई जो इस तरीके से है उसको फसल नहीं खा सकती, ठीक है। एक चीज समझ गए कि ये खाने वाली से स्थिति में नहीं है। अब क्या होता है, इसको तोड़ना भाई बहुत जरूरी, इस नाइट्रोजन को अलग अलग करना जरूरी है, और ये काम भाई कुछ बैक्टीरिया करते हैं। आपने सुना है नाम राइजोबियम का, नाम सुना होगा कुछ लोगों ने, जो दाल वाली फसलों में इस्तेमाल करते हैं, तेल वाली फसलों में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह का एजेक्टोबैक्टर होता है जो भाई हम अपनी अनाज वाली फसलों में इस्तेमाल करते हैं। एक एसिटोबैक्टर होता है जो गन्ने की या केले की फसल में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे भाई कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं जिनका एक ही काम है कि भाई इसको नाइट्रोजन को अलग अलग कर दिया। इस अलग अलग करने को बोलते हैं भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं, यानी कि जुड़े हुए नाइट्रोजन को उस बैक्टीरिया ने अलग अलग कर दिया, ठीक है, ये काम बैक्टीरिया ने किया। अब होता क्या, जब जमीन में हम पानी लगाते हैं, पानी में भाई केमिकल फार्मूले में क्या लिखते हैं, कुछ जो पढ़े लिखे क्या बोलते हैं भाई, H2O, यानी कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये हम पानी में जमीन में देते हैं, ठीक है कि नहीं। अब ये बहुत समझने की बात है कि भी नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से मिलेगा तो भाई अमोनिया बनेगा, और जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगा तो भाई ये नाइट्रेट बनेगा, और नाइट्रेट और अमोनिया ऐसा ही है जैसे हमने रोटी बना ली हो जिसको हम खा सकते हैं। ये नाइट्रोजन किसी तरह का है जिसको फसल बड़े आसानी से खा सकती है, अमोनिया की शेप में या नाइट्रेट की शेप में। तो इस तरीके से भाई हम हवा वाली नाइट्रोजन का कुछ हिस्सा जो है भाई वो फसल को दे पाएंगे। अब कई लोग हमसे सवाल पूछ लेते हैं, बोला साहब इतनी जब नाइट्रोजन है तो 15-20% यूरिया कम क्यों हुआ, ये पूरा यूरिया कम क्यों नहीं हुआ? बड़ा वाजिब सवाल लगता है हमें, तो हम सोचते हैं उसका जवाब भी दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोगों को अगर जमीन की जो अपनी मिट्टी है भाई, इस मिट्टी की मिट्टी के अंदर क्या क्या होता है अगर ये थोड़ा सा आप समझें, तो भाई मिट्टी के अंदर करीब आधा हिस्सा यानी कि 20-25% जो है भाई वो हवा होती है, 20-25% पानी होता है, 45% इसके अंदर ये सिल्ट क्ले जिसको मिनरल्स बोलते हैं, और सिर्फ 5% जो है सब वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। जो गोबर की खाद की बात कर रहे थे वो भाई इसके लिए काम आता है, ये जो 5% ऑर्गेनिक मैटर है ये हमारी जमीन का बहुत ही अत्यंत आवश्यक हिस्सा है। तो हमने क्या देखा कि 20-25% भाई जमीन में एयर है, वो जो बैक्टीरिया हम जमीन में भेजते हैं
वो सिर्फ भाई इतनी सी एयर को, यानी कि मिट्टी में से इतना हिस्सा है उसी को वो पौधे के बदलते हैं, इसीलिए हम सिर्फ 15-20% यूरिया घटा सकते हैं, ज्यादा नहीं घटा पाएंगे। और भाई इस बैक्टीरिया को आए हुए हो गए 20 साल 25 साल, मुझे तो याद भी नहीं, शायद ज्यादा भी हो गए हों, लेकिन आप में से कितने लोग हैं भाई जो इनका इस्तेमाल करते हैं? एक भी आदमी नहीं होगा, है कि नहीं? एक भी नहीं। एजेंटोबैक्टर या राइजोबियम, राइजोबियम वाली फसल आपके यहाँ होती है क्योंकि भाई वो चने में डलता है, उड़द में डलता है, मूंग में डलता है, मटर में डलता है, वो फसल आप करते नहीं हो। आपके यहाँ फसल आलू गेहूं धान, मेरे ख्याल है तीन फसल मेन होंगे, बाकी ठीक है, बीच बीच में भाई को मिर्च लगा दे, कुछ लगा नहीं, मिल जाएगा भाई आसानी से मिल जाएगा। इसकी प्रॉब्लम क्या, हम लोगों ने भी भाई क्यों, कई कंपनियां थी पहले बेचने के, लेकिन उन्होंने भी बंद कर दिया बेचना। क्यों बंद किया? क्योंकि जब यू कहते हैं ना तो भाई इसको एजेंटोबैक्टर ले जाइए 1 किलो, इसको यू करना, आज जाके अच्छी तरह तैयार गोबर की खाद में इसको पहले मिलाना, फिर इसके ऊपर भाई पानी छिड़कना, रोज शाम को भाई इसको तो इधर से उधर करना और 1 हफ्ते तक करना, फिर आप इसको खेत में इस्तेमाल करो। आप कर लोगे? क्यों भाई करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा वो एक अच्छी बात है, लेकिन जनरली भाई हम करते हैं, और जब करते नहीं है, जब किसी का कोई सामान बिकेगा नहीं तो भाई बनाएगा। ट्राइकोडर्मा में किया है, ट्राइकोडर्मा में भी ऐसी करते हैं, ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, मैसिरोमाइसिस है, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया और फंजाई है जो हमारे काम में है, ठीक है। लेकिन अब आपका काम हमने आसान किया, हिंदुस्तान की हम पहली कंपनी है, जेयू एग्री साइंसेज पहली कंपनी है जिसने भाई इस ट्राइकोडर्मा, इसको अपना एजेक्टोबैक्टर और राइजोबियम को एक नए रूप में दिया, और नया रूप है भाई सिर्फ 10 ग्राम एक एकड़ में बचाएगा कितना, 15-20% यूरिया की बचत। और इसका डालने का तरीका भी भाई बिल्कुल आसान कर दिया, इसको आपने बीज पे लगाना, यानी कि जैसे हम बीज सीड ट्रीट करते हैं ना किसी चीजों से, कभी दीमक से बचाव के लिए करते हैं, कभी भाई हम उल्ली नाशक इस्तेमाल करते हैं, जैसे गेहूं की फसल में कुछ लोग रेक्सिल या किसी और चीज का इस्तेमाल करते होंगे, तो ऐसे ही आलू की फसल में भी आप बीज उपचार करते हो। तो ये जो हमने बनाया भाई 10 ग्राम, इसका नाम है एजोमैक्स। अभी हमने पहले खाद की बात करी थी इकोमैक्स, इसका नाम है एजोमैक्स, और ये सिर्फ 10 ग्राम एक एकड़ का बीज भाई, चाहे वो 4 क्विंटल 3 क्विंटल जो आलू का डालते हो, और भाई बीज बाजरे का चाहे आप भाई 1.5 किलो एक एकड़ का डालते हो, तो अब आपके मन में सवाल आएगा यार ये क्या मतलब हुआ, 4 टन बीज में भी 10 ग्राम और 1.5 किलो बीज में भी 10 ग्राम, तो आप सोच सकते हैं ऐसा। लेकिन भाई बीज जो है इस बैक्टीरिया को खेत में ले जाने के, आपकी जमीन में ले जाने का एक माध्यम, सिर्फ एक माध्यम, इसके जरिए वो खेत के अंदर पहुंचा दिया जाता, नहीं तो भाई 10 ग्राम चीज को एक एकड़ में फैलाना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए बीज उपचार करना है। और इसका जो डब्बा आएगा, उस डब्बे के अंदर भाई आपको 3 चीज मिलेगी, एक तो ये 10 ग्राम का पाउच मिलेगा, एक आधा लीटर इसके अंदर स्टिकर मिलेगा, इको स्टिकर के 50 ml, आधा लीटर नहीं 50 ml स्टिकर मिलेगा, और भाई हाथ में डालने के ग्लव्स मिलेंगे। तो इसमें जब भी आपने जैसे मान लिया गेहूं का बीज ट्रीट करना है, तो आपको 250 ml पानी लेना है, उसमें वो स्टिकर डाल लेना है, फिर उसके अंदर अपने को 10 ग्राम पाउडर डाल लेना है, घोल के उसके ऊपर हाथ से ऐसे डाल के उसको लगा देंगे, लाल लाल रंग उसका हो जाएगा, बीज आपका उपचार हो जाएगा। आलू का बीज आपको ट्रीट करना है, तो जो भी आपका बीज है उसको फैला के उस 10 ग्राम मटेरियल को और उस स्टिकर को एक ढोल की टंकी में डाल लीजिए, और डाल के भाई इसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए, सूख जाएगा वो, ट्रीट हो जाएगा, तो आलू में भी और उसमें भी कर सकते हैं। तो एजोमैक्स का 10 ग्राम का प्रयोग आप अपनी फसलों में कर सकते हैं, लेकिन दाल वाली फसलों में एजोमैक्स की जगह राइजोमैक्स हो जाएगा, जो आपके यहाँ नहीं है, तो आपको सिर्फ एजोमैक्स याद रखना है, इसको गेहूं में भी और आलू में भी इसका इस्तेमाल बीज को लगा के कर सकते हैं, ठीक है सर। तो ये हो गया यूरिया को कम करने का समय। अभी तक मैंने आपको दो चीज बताई, इकोमैक्स के द्वारा डीएपी खाद को कम करना है, और एजोमैक्स के जरिए भाई यूरिया खाद को कम करना। अब तीसरे खाद पे आते हैं, पोटाश डालते हैं कि नहीं आप? डालते हैं। कितना डालते हो सर?
दस किलो बीघा, दस किलो बीघा मतलब 50 किलो एक एक, ठीक है, कोई 5 बीघे का एक एकड़ आपके इधर, तो भाई हमने 50 किलो दिया। और जो खाद आप डालते हो उसका नाम है MOP। सबसे पहले तो बात यह है भाई, जितने भी रासायनिक खाद हैं ये MOP तो सारा ही बाहर से आता है, पूरा का पूरा हम जो है भाई इसको इम्पोर्ट करते हैं, पूरा पूरा का पूरा बाहर से। 75% भाई हमारा ये फास्फोरस वाला खाद भी बाहर से, और भाई करीब 25% नाइट्रोजन वाला खाद यूरिया भी बाहर से आता है। तो अगर हम बाहर से जब खाद मंगाते हैं तो भाई जरूरी है उसके लिए हमें डॉलर में पैसे देने पड़ते हैं, विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, वो हमारी देश की इकोनॉमी को भी असर डालता है। कि भाई हम सब भारत के नागरिक हैं, ये हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि भी अगर हम किसी भी तरीके से अपने देश की इकोनॉमी में अगर एक भी कंट्रीब्यूशन करते हैं तो बहुत सराहनीय होता है, तो इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा है। अब ये जो बाहर से MOP आता है इसके अंदर जो टेक्निकली जो पोटाश होता है वो किस तरह का होता है, ये होता है भाई पोटेशियम क्लोराइड। ये थोड़ी केमिस्ट्री है लेकिन आसान से शब्दों में समझाऊंगा आपको, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये भाई पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटाश को K लिखते हैं और Cl जो है क्लोरीन को लिखते हैं। तो पोटेशियम क्लोराइड जो है ये म्यूरेट ऑफ पोटाश के अंदर टेक्निकल होता है। अब जैसे आपने बताया पानी को बोलते हैं H2O, जब H2O के संपर्क में आता है तो भाई ये क्लोरीन और हाइड्रोजन जो है ये दोनों मिलके ये बना देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, अम्ल। और जब आप समझ सकते हो कि भी एसिड जब जमीन में जाएगा तो हमारी जमीन के लिए अच्छा या खराब है, तो एसिड भाई खराब करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो रासायनिक पोटाश है, उस पोटाश में पोटेशियम क्लोराइड के नाम से जो टेक्निकल पोटाश है वो पानी के साथ मिलके अम्ल बनाता है जो हमारी जमीन को खराब करता है। अब पोटाश जरूरी भी बहुत होता है, ऐसा तो यानी कि भी हम इसको छोड़ दें। पोटाश भाई फसल के लिए भी काम करता है और हमारे लिए भी काम करता है। फसल में क्या काम करता है कि जो भी खाना पौधे के पत्तों में बढ़ता है, पौधे के पत्ते भाई रसोई होते हैं, वही खाना बनता है। पोटाश का काम है उस खाने को वहां से लेना और जहां चाहिए उसके पहुंचाना। जैसे आलू की फसल में बहुत सारा खाना भाई आलू बनाने में लगता है, तो वहां से लेके उसको वहां तक ले जाने का काम पोटाश करता है। दूसरा इसकी भाई जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जो इसके मतलब नए जो आलू बनना या फ्लावर बनना, उनके अंदर भी इसका बड़ा योगदान होता है, तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए बड़ा अच्छा काम करता है। हमने बात की यहाँ पे भी पोटाश की बात कर रहे थे, पोटाश जरूरी है फसल के खाने में भी और भाई हमारे खाने में, फसल को दे दिया तो भाई उसके माध्यम से हमारे पास भी आ जाएगा। तो अब हमने देखा कि भी म्यूरेट ऑफ पोटाश खराब करता है, तो भाई हमें कुछ जैविक या ऑर्गेनिक मिल जाए जो हमारी जमीन को खराब ना करे तो भाई हम वैसा प्रयोग करेंगे। लेकिन उसके लिए भाई 25 किलो तो हमें ये फिर भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी इसको आधे को ही हटाएगा। और ये जो आधे को हटाया इसकी जगह आपको 10 किलो नैनोमैक्स, ये जो है भाई नैनोमैक्स पोटाश, ये 10 किलो आपको इस्तेमाल करना है। तो हम जो है 50 किलो MOP की जगह 25 किलो MOP देंगे, और भाई जो 25 किलो हटाया उसकी जगह हम 10 किलो अपना नैनोमैक्स पोटाश देंगे। तो अब अगर आप टोटल खर्चा लगाएं, मैं कल कैलकुलेटर में बैठा बैठा यही कर रहा था कि आज आपकी जो प्रैक्टिस है, मोस्टली आप यूरिया कितना देते हैं सब आलू के खेत में, 100 किलो 2 बैग देते हैं, 5 कट्टे यूरिया को डाले तो नए भाव के अनुसार से 5250 रुपए के 5 कट्टे हुए, और भाई 2 यूरिया जो है भाई 600 रुपए का हुआ, 1 पोटाश भाई 550 रुपए का हुआ। तो आप देख लो कि 58 और 5 53 करीब करीब समझो आपका 6400 रुपए आपका 1 एकड़ में इन 3 खाद में खर्चा हो जाता है। हमने आपको क्या कहा है कि भाई 5 की बजाय आपको 3 कट्टे डालने हैं, यानी कि आपके यहाँ पे खर्चा चला जाएगा 3150, इसकी जगह आपको 75 किलो खाद देगा यानी कि 450, और इसमें भाई आपका खर्चा 275 बचेगा। साथ में हमने कहा कि भाई इकोमैक्स देनी आपने 2 किलो तो करीब करीब समझो 900 रुपए की होगी, अगर 8 किलो देते हैं 2 बैग अगर देते हैं, और भाई यहाँ पे हमने 10 ग्राम है जो मैक्स दिया और यहाँ 10 किलो हमने आपका नैनोमैक्स दिया, तो ये जो टोटल खर्चा है भाई ये 5800 रुपए का आता है। तो हमने आपका खर्चा नहीं बढ़ाया,
ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि हमने रसायन को कम कर दिया। मैंने पहले ही कहा था भाई, हमारी दो इम्पोर्टेंट थी, हमारा स्वास्थ्य, भूमि स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखना है और पैदावार भी नहीं गिरने देनी है और खर्चा भी नहीं बढ़ाना है। तो ये आप कम करके इकोमैक्स, एजोमैक्स, नैनोमैक्स का प्रयोग करके भाई इनको घटाना है, अपनी जरूरी चीजों को सुरक्षित भी रखना है और पैदावार भी अपने को कम नहीं करनी है। अब आप लोगों ने कई साल से इकोमैक्स कुछ लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है। साहब आप लोग क्या सोचते हो, इकोमैक्स डाल के क्या दिखे, आपको क्या फायदा दिखे, आप वो उसको मैं जरा नंगा कराऊंगा। आप लोग ये देखते हो इकोमैक्स अगर मैंने डाल दी तो मेरे को एक तो तुरंत रिजल्ट दिखने चाहिए, एक मेरे को बाउस में हरियाली दिखनी चाहिए, एक मेरे को उसमें बढ़वार दिखनी चाहिए, ये भाई नहीं दिखाएगा, ये कोई टॉनिक नहीं है। अगर आपने ये सारी चीज देखनी है तो भाई हमारे पास एक और सामान है जिसका नाम बुलडोज है, वो बुलडोज भी ऑर्गेनिक तरीके से हमने बनाया है, वो हरा भी करेगा, वो भाई बढ़वार भी करेगा और जो आपने चाहिए वो सब कुछ दिखाएगा। लेकिन इकोमैक्स से आपकी उम्मीद ये होनी चाहिए कि फिर डीएपी को कम करके आपका खर्चा बढ़ाए बगैर आपकी पैदावार को गिरने नहीं देगा, ये आपकी इकोमैक्स से एक्सपेक्टेशन यानी कि ऐसी अपेक्षाएं, ऐसी उम्मीद आपसे इकोमैक्स की होनी चाहिए। ठीक है, तो वैसी उम्मीद उससे रखिए, उसमें यह मत देखने जाना यार मैंने तो ये डाला था, आप ये देखना कि भाई 5 की जगह 3 बैड कर दिए फिर भी मेरी पैदावार उतनी आ रही है। तो भाई ये तरीके मैंने बताए, जैविक खाद के जरिए हम रासायनिक खाद को कम करके सही पैदावार ले सकते हैं। और अंत में याद रखने के लिए थोड़ा मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ, ये मेरा हाथ रसायन है, ये मेरा हाथ भाई जैविक है। अभी आप इतना रसायन डाल रहे हो, आपने क्या करना है, इतना करना है और बाकी जगह क्या दिया, जैविक। ठीक है, तो दोनों को हमने इसको कम किया, उसकी जगह जैविक दे दी, खर्चा आपका उतना ही है और आपकी पैदावार भाई गिरेगी नहीं बल्कि 5 से 10% बढ़ेगी। लेकिन मैं बढ़ने की बात इसलिए नहीं कह रहा, जब भी मैं ये कह दूंगा ना पैदावार बढ़ेगी तो आप ट्रॉली देखने लग जाओगे कितनी फालतू निकली, कितने आलू फालतू निकले। तो भाई इसलिए मैं आपकी उम्मीद पैदावार पे नहीं जोड़ रहा, बढ़ेगी ये पक्की बात है, आपसे नाप के देख लेना, 5 से 10% जरूर बढ़ेगी। लेकिन भाई आपकी उम्मीद मैं कहां जोड़ रहा हूं कि भाई 5 से 3 कट्टे कर दिए फिर भी आपकी पैदावार नहीं गिरी, ये आपकी उम्मीद होनी चाहिए। तो इतने भाई रसायन को इतना कम करके जैविक डाल दो, फसल का पेट भी पूरा भरेगा, खर्चा भी कोई उतना ही लगेगा, पैदावार भी अपनी सही। ठीक है भाई, तो ये बात मैंने बतानी थी, अब कोई आपका सवाल है तो पूछ सकते हो। यस प्लीज।